हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। द वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लाइक करो, मेरे चैनल नु सब्सक्राइब करो। तो असी हले चले नाश्ता लाइन, मैं ते फरूक साहब चले नाश्ता कर। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो रहने दो। मैं ढूंढ जा रहे हैं, अभी नाश्ता लेने हैं। तो अभी उठ गए थे हम, सो गए थे रात को जल्दी दोनों ही। तो अभी हम नाश्ता लेने जा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, सोया हुआ था ये भी, मैं भी सोया हुआ था। आज हम अच्छे बच्चे बने हुए थे, जल्दी सो गए थे। तो आगे तो फिर नाश्ता करते हैं, मंडते हैं। तो फिर हमने आज कुछ ऐसा भी प्लान है कि हमने लामा इकबाल के घर भी जाना है। लामा साहब का घर आपको दिखाएंगे, जिसने नहीं देखा हुआ। बाकी साहब ने तो कोई घर पूरा भी देखा होना, लेकिन हम आपको वाशरूम भी दिखाएंगे उसका। हेलो जी, तो अभी हम घर से निकल आए हैं, तो जा रहे हैं नाश्ता करने, मैं और हरून साहब। ये देख सकते हैं आप हरून साहब को भी। तो अभी हमें सुबह सुबह का टाइम है, भूख बड़ी लगी हुई है। तो आपको दिखाते हैं रोड, माशाल्लाह से गली बहुत बड़ी है। तो अभी हम दरबार के पास से गुजरे हैं। कदमों वाली सरकार इस दरबार का नाम है, सब जानते हैं इस दरबार को, सब को पता है। ले आए हैं फ्रेश करके, अब हम मैं और अरुण खाने लगे हैं फ्रेश करके, सुबह सुबह का टाइम। ये देख सकते हैं आ रहे हैं, फुल भूख लगी हुई है इसको, बर्दाश्त से बाहर हुआ है काम, तो भी खाते हैं। तो फिर हम सोने लगे, तो फिर जाएंगे लामा इकबाल के घर, आपको भी ले जाएंगे। ये है लामा साहब का गेट, और अंदर आते ही यहाँ पे एक छोटा सा झूला पड़ा हुआ उनके बचपन का, और यहाँ इस चेयर पे वो अक्सर बैठा करते थे, और यहाँ उनकी एक पहली बेगम की तस्वीर लगी हुई है। तो अंदर जाके फिर दूसरे कमरे में आएंगे, यहाँ पे इनका पैदाइश का कमरा है। ये यहाँ पे लामा इकबाल साहब की पैदाइश हुई थी, जैसा कि आप सबको सियालकोट वालों को पता है जो जाते हैं, यहाँ पे लामा साहब की पैदाइश हुई थी। तो ये बता रहे थे उनकी बेगम। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, तो पुराने ज़माने में पंखों को गाड़ियों के इंजन लगते थे, तो ऐसे ही पंखा चलता था। यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट लगे हुए थे इनको भी रिकॉर्ड किया, तो ये उनके फ्लैक्स वगैरह लगाए हुए हैं इन्होंने। तो ये एक कमरा है जहाँ पे वो बैठा करते हैं। ये जैसा कि न्यू जनरेशन में फ्रिज वगैरह, ये वैसे ही दूध वगैरह खाना वगैरह सेव करती थी। ये उनका डाइनिंग एरिया था, ये स्टोर था ऊपर छोटा सा, और ये उनकी कलम है जिससे वो पोइट्री किया करते थे। नीचे प्लेट पड़ी हुई है जिसमें खाना गर्म रहता है, और ये इसका नहीं मुझे पता, ये हुक्का वगैरह पड़ा हुआ उनका, पतीले वगैरह। और ये वो बेड है जिसको ऊपर से हम खोलें तो ये चारपाई बन जाए। ये उनका सेकंड फ्लोर का ऊपर वाला हिस्सा है, ये देख सकते हैं आप पूरा घर। 110 साल हो गए इस घर को बने हुए सियालकोट में। यहाँ पर उनकी सारी औलाद पैदा हुई लामा इकबाल साहब की। ये बाहर वाला उनका जो लोन लोन कह गए, बाहर वाला हिस्सा होता है, ये हुक्का पड़ा हुआ है, हुक्का पिया करते थे वो। ये जुवेद इकबाल की फ़ोटो, ये सरदार बेगम जुवेद इकबाल इकबाल की बीवी थी, सरदार बेगम इनके नाम से था। ये जुवेद इकबाल है लामा इकबाल का बेटा। तो यही है, यहाँ पर ये फोत हुए थे। तो यहाँ पर अपनी वीडियो को एंड करते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।